मध्य प्रदेश सहित खरगोन शहर में भी जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा केंद्र की भाजपा सरकार की बदहाली, आर्थिक व्यवस्था और मध्य प्रदेश की जनता के साथ किए जा रहे अन्याय के विरोध को लेकर शहर की टीआईटी परिसर में धरना प्रदर्शन किया और रैली निकालकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर कार्यालय को ज्ञापन सौंपा। अन्याय के विरोध को लेकर शहर के टीआईटी परिसर में धरना प्रदर्शन किया और रैली निकालकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर कार्यालय को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर भिकनगांव विधानसभा विधायक झूमा सोलंकी, भगवानपुरा विधायक केदार डावर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि केंद्र की सरकार मध्य प्रदेश में भेदभावपूर्ण नीति अपना रही है। अतिवृष्टि में किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई में भेदभाव कर रही है। किसानों को मुआवजा राशि दी जाए जबकि अन्य प्रदेशों बिहार कर्नाटक में सहायता राशि प्रदान की गई है। कांग्रेस ने अन्य प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी राशि दी जाने की मांग की है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दिया गया मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी, उनके निर्देशों पे और AICC की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी सोनिया जी के निर्देशों पे ये कार्यक्रम किया गया। और ये आप सब भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हम सभी विधायकों ने और पूरे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ मौजूद थे। पिछले दिनों जो अतिवर्षा से नुकसान हुआ है और भारी नुकसान हुआ, कम नहीं, पूरे ज़िले को तबाह हुआ है और हजारों करोड़ों की तादाद में पूरे मध्य प्रदेश की राशि की बात करें तो इतना नुकसान हुआ है। माननीय कमलनाथ जी ने निवेदन भी किया था केंद्र में जाके, किंतु एक भी रुपए की मुआवजे की राशि हमको नहीं मिली है। हमारा जिला भी प्रभावित हुआ है, हमें भी एक भी रुपए का मुआवजे की राशि नहीं मिली है। तो इसको लेकर पहले भी दिया था और आज भी ज्ञापन दिया है। और इसी तरह की केंद्र की उनकी जो नीतियाँ हैं, उनकी वजह से जो बेदहाली पूरे देश में, हम अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, वो भी हम देख रहे हैं। बेरोजगारों की बेरोजगारी इतनी बड़ी है कि युवा भटक रहे हैं किंतु उनके लिए नौकरियां नहीं हैं। माननीय कमलनाथ जी, निश्चित रूप से प्रदेश में सरकार बनी है तो 70% युवाओं को निजी क्षेत्र हो या कहीं भी, उनको रोजगार देने की बात की और वो लागू भी है, किंतु केंद्र की सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है, इसलिए ये आंदोलन किया। और यदि हमारे मुआवजे की राशि हमें नहीं मिली तो निश्चित ही सांसदों के घरों का घेराव भी करेंगे और ये जो आंदोलन दिख रहा है ये उग्र रूप लेगा। और 14 दिसंबर को हमारी सोनिया जी के नेतृत्व में दिल्ली में भी जंगी प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। जैन समाज लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है, आंगनवाड़ियों में सरकार द्वारा आदेश दिया गया है कि वो अंडा परोसने की बात कह रहे हैं, तो क्या लगता है कि जैन समाज की भावनाओं से खिलवाड़ होता रहेगा? नहीं, यहाँ किसी समाज के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, उनकी भावनाओं को कोई ठेस नहीं पहुँचेगा, क्योंकि ये पौष्टिक आहार है। उस बात को लेकर, क्योंकि कुपोषित बच्चे हैं, उन्हें स्वस्थ रखना है, ये बात को ध्यान में रखते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग ने ये निर्णय लिया कि पौष्टिक आहार के रूप में इसे दिया जाए और जो सेवन कर सकते हैं वही करें। किसी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है कि हर एक इसको इसका सेवन करे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।